रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। प्रशासन के द्वारा शमशान के लिए आरक्षित जमीन को कब्जा मुक्त कराया। हाल ही में कई दिनों से सुर्खियों में बने शमशान भूमि पर कब्जे को लेकर प्रशासन काफी परेशान नजर आ रहा था। आज राजस्थान की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की तथा वहां पर बने अवैध कब्जों को नगर पंचायत गोवर्धन की सहायता से कब्जा मुक्त कराया तथा जमीन को नगर पंचायत के सपोर्ट किया। इसकी जानकारी लेखपाल अवस्थी ने दी। वहीं नगर पंचायत सभासद मोनू ठाकुर ने बताया कि ये जमीन करें 50 साल पहले ठाकुर समाज को प्रशासन के द्वारा शमशान भूमि के लिए दी थी, मगर कुछ लोगों ने यहाँ अवैध कब्जे को लेकर ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित गिरिराज तलहटी में अंतिम संस्कार किया करते थे। एनजीटी के आदेश के बाद वहाँ दाग संस्कार पर पूर्णतः वाहन दी कर दी गई है, जिसको लेकर कुछ लोग अपने खेतों में अपने बुजुर्गों का दाग संस्कार किया करते थे। आज सभी समाज के लोगों ने मिलकर शमशान भूमि हेतु दी गई जमीन को कब्जा मुक्त कराने की प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ये शमशान भूमि गोवर्धन गौरवा में खतरा संख्या 156 है, इसका रकबा 160 है और इसमें एक बंजर का नंबर है 40 है, जिसकी पैमाइश पर निशानदेही कर दी गई और जेसीबी करके कंप्लीट कर दी पैमाइश और रकबे के अनुसार मौके पर रकबा कब्जा टाउन एरिया के लिए दे दिया। कुछ दबी हुई बताई जा रही है, कोई जमीन दबी हुई ऐसा कुछ बताया गया, कोई जमीन दबी हुई है इसमें कहीं, इसमें रकबा कुछ दबा हुआ है क्या? पीछे की तरफ बंजर भूमि उसमें उसका निशान लगा दिए गए, अभी उसमें